क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर डेली। आज मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। उसके लिए जो मुझे अज्जा चाहिए, 300 ग्राम ये टमाटर लिए मैंने, हरी प्याज मैंने से ये प्याज काट के रखी है तकरीबन 2 से 3, इसके पत्ते मैंने अलग रखे हैं ये काट के, ये तकरीबन आधी प्याली जितने हैं मेरे पास। 1 कप ऑयल है, 8 से 10 यह हरी मिर्च मैंने बारीक काट के रखी हैं, वाइट ज़ीरा है ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, हल्दी 1 टेबल स्पून है मेरे पास, नमक आप हसबे ज़ायका ले सकते हैं, पिसी हुई मिर्च मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, तकरीबन आधे चम्मच से भी कम ही है, सोया लिया है मैंने, सोया आप आधी गड्डी ले लें मगर इसको काटना नहीं है, जिस वक्त हम डालेंगे उस वक्त काटेंगे वरना इसका जो होती है खुशबू ख़त्म हो जाती है पहले से काट के रखने में। ये थोड़े से पुदीने के पत्ते भी लिए हैं मैंने, ये भी अभी हम जब डालेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ऑयल डाल दिया है, जैसे ये ऑयल गर्म होगा फिर हम इसमें हरी प्याज डालेंगे, ये अब हम ऑयल गर्म हो रहा है, प्याज जो मैंने काट के रखी है बस ये वही प्याज डालेंगे, इसको ब्राउन नहीं करनी है हमें, बस लाइट से ये नरम पड़ जाएगी तब हम इसमें ज़ीरा डालना है, ब्राउन नहीं करना है बस सिर्फ नरम करना है। अब ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ इसमें, ज़ीरे के बस हल्की से हमें ये खुशबू आने लगेगी, उसके बाद फिर हम टमाटर डालेंगे और हरी प्याज के पत्ते, बस ये देखो खुशबू आने लग गई है। अभी मैं हरी प्याज के जो पत्ते मैंने अलग रखे थे ये डाल रही हूँ, अब हम टमाटर डालेंगे, अभी हम हरी मिर्च भी डालना है, हल्दी इसी मिर्च है, इसको हम तकरीबन ये 15 मिनट में तैयार हो जाएगी, जैसे ही ये टमाटर का पानी अभी निकलेगा तो अपना टमाटर नरम हो जाएंगे, टमाटर नरम होने के बाद फिर हम ये तेल छोड़ने लगेंगे जब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। टमाटरों ने जो पानी छोड़ा था वो खुश्क हो गया है और ऑयल ऊपर आने लग गया है, ये भुनाई पर आ गया है, अब मैं इसमें पुदीने के पत्ते जो मैंने रखे थे वो डालूँगी, सोया मैंने बिल्कुल अभी अभी काटा है ताकि इसकी खुशबू अपनी जगह बरकरार रहे, पहले से काट देते हैं तो इसकी ख़त्म हो जाती है, इसको बस हम 1 मिनट के लिए मैं इसको ढक रख के दम पे लगाऊंगी, 1 से 2 मिनट बाद मैं इसको डिश में। हमारी रेडी हो चुकी है, इस चटनी को आलू भरे पराठों के साथ, बेसन के पराठों के साथ और सादी रोटी के साथ भी बहुत मज़ा देती है, आप ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। कल आप लोगों की फरमाइश जो आपने की है आलू भरे पराठों की, वो कल मैं इंशाल्लाह पूरी करूँगी, आज मैंने ये चटनी बनाई है, कल इंशाल्लाह मैं आपको आलू भरे पराठे की रेसिपी भेजूँगी, इंशाल्लाह आप लोग ट्राई कीजिएगा, दोनों चीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। कल जो मैं आलू भरे पराठे बनाऊँगी उसकी भी रेसिपी है और ये भी उसके साथ। अल्लाह हाफिज़।